फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दही वाली तोरई। तोरई को हम गिलकी भी कहते हैं। इस सब्जी को हम बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे। किसी भी त्यौहार में आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दही वाली तोरई कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम तोरई ली है और इसको मैंने ऊपर से छील लिया है और इसको मैं इस शेप में काट रही हूँ। पानी में इसलिए डुबा के रखा है इसको क्योंकि ये काली हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से 3-4 पानी से वॉश भी कर लीजिए। ये मैंने 1 कप दही लिया है, खट्टा वाला दही है, और इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। तो इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। तो मसाले में हल्दी, मिर्ची और जीरा, बस यही लगेगा। तो सबसे पहले हम हल्दी और मिर्ची लेंगे। तो आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मिर्ची, और इसका हमें घोल बना लेंगे। बहुत कम मसालों में ये सब्ज़ी बनती है और फटाफट बन जाती है और खाने में बहुत लाजवाब होती है। तो इसको हम घोल लेंगे। और जो जीरा है हमें छौंक लगाने के लिए लगेगा। तो चलिए आगे का प्रोसीजर देखते हैं क्या करना है। गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें डालूंगी तेल। तो मैंने 1.5 टेबल स्पून तेल डाला है। तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि जो दही है वो भी बाद में अपना घी छोड़ेगा। अब इसमें मैं जीरा डालूंगी, आधी छोटी चम्मच जीरा। तो जीरा जब क्रैकल हो जाएगा तब हम इसमें जो पानी हमने घोल के रखा था मसाले के साथ वो हम डाल देंगे। क्योंकि अगर हम इसमें हल्दी और मिर्ची तेल में डायरेक्ट डालेंगे तो वो फूलेगा नहीं मसाला, पहली बात, और दूसरा वो जलेगा बहुत फास्ट। तो सबसे बेस्ट रहता है जब भी आप कोई बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनाते हैं तो उसके मसाला जो भी उसमें डालना है उसको पानी में घोल लीजिए और फिर डाल दीजिए। तो देखिए इसको बहुत भूनना है इस मसाले को। अगर आप नहीं भूनेंगे तो हल्दी की कच्ची स्मेल सब्जी में से आएगी। तो जब तक ये तेल रिलीज़ ना कर दे तब तक आप इसे कंटिन्यू भूनते रहिए। तो ये भून गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ तोरई। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप बनाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो इसको मैंने चला दिया है और इसमें पानी वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नमक डालेंगे तो अपने आप तोरी पानी छोड़ेगी। तो मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डाला है और बाद में थोड़ा सा नमक और डाला है। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। आप किस क्वांटिटी में सब्जी बना रहे हैं उस हिसाब से आप नमक डालिए। तो इसको हम चलाएंगे और ढक देंगे ढक्कन से 3-4 मिनट के लिए। तो 3-4 मिनट बाद जब हम इसे खोलकर देखेंगे, देखिए इसने कितना पानी छोड़ दिया है। तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा फिर पानी डाल सकते हैं इसमें। तो ये अभी गली नहीं है तो फिर इसको अभी 4-5 मिनट के लिए ढक देंगे। क्योंकि जब तोरई एकदम गल जाएगी तभी हम दही डालेंगे। एक बार अगर हमने दही डाल दिया तो तोरई फिर गलेगी नहीं। तो देखिए मैं इसको देख रही हूँ कि ये हुई है सब्जी कि नहीं हुई है। तो अभी ये सब्जी हुई नहीं है इसलिए मैं इसको एक बार ढक देती हूँ। देखिए अभी ये एकदम हो गई है सब्जी, तोरी एकदम गल चुकी है। तो गैस मैंने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि जब भी हम दही डालेंगे गैस ऑफ करके डाली है। इसमें मैंने दही में थोड़ा सा पानी मिक्स किया है, ये रसे वाली सब्जी रहती है। और अब हम इसमें डाल देंगे दही। अगर हम गैस जल रही है और उस समय अगर हम दही डालेंगे तो दही फटने के बहुत चांसेस रहते हैं। पानी अलग हो जाता है, दही अलग हो जाता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है आप गैस बंद करिए और फिर दही डाल दीजिए और नॉन स्टॉप इसको हिलाते रहिए। अब हम गैस जलाएंगे और इसको कंटिन्यू, जब तक इसमें उबाला नहीं आएगा हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अगर आपने चलाना छोड़ा तो दही फट जाएगा। तो देखिए इसमें उबाला आ गया है, दही कितना अच्छा है, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल फटा नहीं है। ये सब्जी आप रोटी, पूड़ी, पराठा, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है।
या घर में कोई फेस्टिवल है, पूजा है और बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनाना है तो बहुत आसानी से ये सब्जी बन जाती है। एक वैरायटी भी हो जाती है नए तरीके की। तो देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है ये, और एक अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। तो सब्जी बनकर एकदम तैयार है, मैं इसको निकाल लेती हूँ सर्विंग बाउल में। तो इस तरह से आप इस सब्जी को निकाल लीजिए, एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए ये सब्जी बनकर रेडी हो गई है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।